हमारे चैनल तबलीग टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें और नई अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को जरूर दबाएं। जानी को जो दुनिया में सबसे पहला अजाब मिलता है ना, वो ये मिलता है कि उसको इस गुनाह का चस्का लग जाता है। वो जिना करता है ये सोच के कि सिर्फ एक दफा करूंगा, लेकिन ये हमेशा सोच सोच के करता रहता है और इसी हाल में उसकी मौत आ जाती है। जानियों में मरता है वो। ये बहुत बड़ी भूल है कि मैं एक दफा गुनाह कर लूं फिर तोबा कर लूंगा। और ये शैतान इसलिए करवाता है, यार देखें तो सही इस गुनाह में लज्जत कैसी है, जायका कैसा है। ऐसी अल्लाह की तरफ से उस पर फिटकार बरसती है ना जानी पर, वो तड़पता है कि मुझसे छूट जाए। किसी किसी को अल्लाह तौफीक दे देते हैं, लेकिन आम तौर पर क्या होता है, गया बस। इतना मुश्किल होता है फिर उसको इससे, इस दलदल से निकलना। अल्लाह कहते हैं अब गंद में मुंह मारा है, गंद में रहो। अब गंद खाया है ना, अब गंद खाया तो अब गंद में रहो, फिर गंदगी में उसको मजा आता है फिर वो। इसलिए अल्लाह का वास्ता, जिन लोगों से जिना नहीं हुआ, अल्लाह का वास्ता कभी भी इस गुनाह के करीब मत फटको। अल्लाह ने यह नहीं कहा कि जिना मत करो, अल्लाह ने कहा वला तकरबु जिना, जिना के करीब मत जाओ। करीब कैसे करीब जाता है इंसान? आपके घर में कोई रिश्तेदार जवान लड़की आ गई है यूनिवर्सिटी की, कॉलेज की, आप घर से बाहर निकल जाओ। बाज दफा ऐसा होता है, लोग मुझे बताते हैं कि कोई मेरे रिश्तेदार खातून आई, जवान थी, कजन थी, घर में मैं था, वो अकेली थी, वो आ गई तो मेरी बड़ी अजीब कंडीशन हो गई, मैं बहुत परेशान हो गया, बहुत मुश्किल से बचा मैं। तो मैं उनसे कहता हूं आप घर से निकले क्यों नहीं, ये तो आप करीब तो चले गए ना। जब एक जवान लड़की आपके घर में आई है, आपको उस वक्त घर में नहीं होना चाहिए, निकल जाओ वहां से, ऐसे दूर भागो जिना से, इतना दूर भागो। अंबिया ऐसे ही करते थे, तभी तो बचते थे वो। जितने बुजुर्गाने दीन गुजरे हैं वो ये नहीं कि जिना नहीं किया, वो हमेशा जिना से दूर भागे। हमारे उस्ताज ने एक वाकया सुनाया था हमें, किताबों में ये वाकया लिखा है कि एक तालिब इल्म था, पुराने वक्तों की बात है, रात को मस्जिद में चिराग लेके मुताला कर रहा था। पहले जमाने में लाइट वाइट तो नहीं होती थी, गाड़ियों के सफर नहीं थे, ऊंटों के सफर थे, तो मुसाफिर लोग बाज दफा आके मस्जिदों में ठहरते थे। तो उसने देखा कि एक जवान लड़की है, पर्दे में है लेकिन खूबसूरत जवान लड़की, वो आई और उससे कहने लगी कि मैं रास्ता भटक गई हूं, मुझे रात, एक रात मस्जिद में गुजारने दे दो। वाकई यानी सही थी वो, इसी तरह हुआ, तो कहीं भटक गई थी। शहर में भी बाज दफा लोग भूल जाते थे ना कि रास्ता, भटक जाते थे। तो अब ये परेशान था कि मैं इसको रात को अगर पनाह देता हूं तो मुझे शैतान बरगलाएगा, और इस लड़की को अगर मैं पनाह नहीं देता तो ये कहां जाएगी रात को, कोई और इसकी इज्जत से खेलेगा। तो उसने बहरहाल उसको ठिकाना दे दिया, उसको कहा कि आप उधर उस तरफ जाके सो जाए। नतीजा क्या निकला है कि वो लड़की इसको देख रही थी, ये करता क्या है, उसको भी अपनी इज्जत का डर था ना कि कहीं ये दस दराजी ना करे। तो ये नौजवान जिस चिराग में मुताला कर रहा था, मुताला करते करते उसकी आग में अपनी उंगली लेके जाता और उसको जलाता, जैसे ही वो जलने लगती तो इस उंगली को वापस खींच लेता, एकदम तपिश आग लगती ना, वापस खींचता। फिर थोड़ी देर बाद ये उंगली उसमें लेके जाता, फिर वापस की। पूरी रात ये करता रहा है और अपनी उंगली को जलाता रहा है। सुबह उठ जैसे ही हुई है, इसने फौरन, सुबह सादिक हुई ना फजर की अजान का वक्त, इसने फौरन उस लड़की से कहा यहां से चली जाओ, फौरन यहां से फौरन चली जाओ। उसने कहा अल्लाह की कसम उस वक्त तक नहीं जाऊंगी जब तक तुम ये मुआजरा नहीं बताओगे, रात तुमने किया किया है। तो कहने लगा ये मेरा और अल्लाह का मामला, मैं तुम्हें नहीं बता सकता। उसने फिर अल्लाह का वास्ता देखेगा, उसने कहा मैं जाऊंगी नहीं यहां से जब तक बताओगे नहीं। उसने कहा शैतान मुझे वरगला रहा था कि एक जवान लड़की है, अजनबी है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, तो जिना कर लो इससे, कोई देखने वाला नहीं है। शैतान मुझे लेके जाता था तो मैं अपनी उंगली आग में जलाता था अपने नफ्स को यह समझाने के लिए कि दुनिया की आग बर्दाश्त कर सकता है, जहन्नम की भी बर्दाश्त कर लेना, जहन्नम की भी बर्दाश्त कर लेना फिर। और अगर तुझसे यह बर्दाश्त नहीं हो रही तो वो कैसे बर्दाश्त करेगा। कह रहे जब मैं आग में जलने लगता था ना तो मेरी चीख निकलती थी, यार ये नहीं हो रही तो वो कैसे बर्दाश्त होगी।
حدیث میں آتا ہے جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہے، 70 گنا زیادہ گرم. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ بات بتائی، ترمذی کی حدیث ہے کہ صحابہ کے سینے سے رونے کی ایسے آوازیں آنے لگیں جیسے ہانڈی کھولتی ہے، ایسا روئے صحابہ، حالانکہ صحابہ گناہوں سے بچتے تھے، اتنا روئے ہیں کہ سینے کے جیسے ہانڈی کھول رہی ہوتی ہے ایسے ان کے سینے سے رونے کی آوازیں آئیں. اور عرض کیا، واللہ انہا لکافیت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ دنیا کی آگ بہت تھی عذاب دینے کے لیے، اللہ نے اس کو بھی 70 گنا زیادہ گرم کیا ہے. تو اس نے کہا کہ میرے دل میں گناہ کا خیال آتا تھا، میں کیا کرتا تھا، اپنے آپ کو جلاتا تھا، جب چیخ نکلنے لگتی تو اس طرح پوری رات میں نے اپنے نفس کو روکا ہے گناہ سے. تو تقوی کی برکات ہوتی ہیں. اس لڑکی نے کہا، اب گھر میں جا کے اپنے والد سے کہا کہ میں اگر نکاح کروں گی تو صرف کس سے کروں گی، اس نوجوان سے، عفیف اور پاک دامن ہے. تو کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے باپ نے اس کا نکاح، دیکھو، حرام سے بچایا، اللہ نے حلال طریقہ رکھ دیا. تو جو بھی زنا سے بچتا ہے نا، یاد رکھو، جیسے زنا کرنے کا عذاب بہت سخت ہے، ایسے ہی کسی کو زنا کا موقع ملے اور وہ بچ نکلے، اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے. تاریخ میں جن ہستیوں کو بھی زنا کا موقع ملا اور انہیں نے موقع ملنے کے باوجود زنا نہیں کیا، ان کو اللہ نے دنیا میں بھی بہت نوازا ہے. میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں. ہمارے ایک دوست ہیں امریکہ میں، بلکہ امریکہ سے بھی ایک دور علاقہ ہے، اس کا جگہ کا نام میں بھول گیا. انہوں نے میرا یہ بیان سن کے مجھ سے ملنے کے لیے آئے تھے، وہ مجھے پہچان گئے یہ بیان سن کے، ممکن ہے ابھی میرا یہ بیان سنے وہ. یہ میرے والد صاحب کا واقعہ ہے. میرے والد صاحب جب امریکہ گئے، کنوارے تھے اس وقت، میرے والد صاحب بہت ہینڈسم تھے، خوبصورت تھے، اور اتنا چوڑا تو ان کا سینہ تھا، اور ایسی چوڑی چوڑی کلائیاں تھیں، بہت ماشاءاللہ اللہ نے ان کو مردانہ وجاہت دی تھی، اور آواز ایسی تھی جیسے ببر شیر ہوتا ہے، بہت ہی خوبصورت آواز تھی، بڑی زبردست پرسنالٹی تھی. آپ جائیں ابھی ہمارے محلے میں جا کے لوگوں سے پوچھیں کیا خوبصورت پرسنالٹی تھی والد صاحب کی ہمارے. جب انتقال ہوا ہے نا میرے والد صاحب کا، تو پورا محلہ رو رہا تھا، پورا محلہ. مسجد کے امام صاحب جب بھی جنازے کا اعلان کرتے تھے نا تو روتے نہیں تھے، ہزاروں میتوں کے اعلان کیے تھے. میرے والد صاحب کا جب مسجد کے امام صاحب اعلان کر رہے تھے، 3 دفعہ اعلان کیا، 3 دفعہ روئے ہیں، اتنی لوگوں کو ان سے محبت تھی. تو یہ کیسے ہو گئی، یہ کیسے ہو گئی، کیوں اللہ نے ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں رکھ دی، اور کیوں اللہ نے ان کو اتنا نوازا. والد صاحب نیوی میں تھے، امریکہ جب فرسٹ ٹائم جہاز گیا ہے، کنوارے تھے اس وقت. تو کنوارا لڑکا پاکستانی یا انڈین ہو، پہلی دفعہ امریکہ جائے، وہ بھی کنوارا، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ ہو اور گناہ کی دعوت ملے، تو بچنا کتنا مشکل ہے. تو والد صاحب، یہ میں نے والد صاحب سے براہ راست نہیں سنا، ہمیں ایسی باتیں والد صاحب نہیں کرتے تھے، کسی ذریعے سے سنا میں نے کہ تمہارے والد صاحب نے یہ واقعہ ہمیں سنایا، کسی نے مجھے بتایا. کہتے ہیں کہ جب وہ گئے تو ایک خوبصورت انگریز لڑکی آئی اور ان کو گناہ کی دعوت دی. اب ایک دم پہلی دفعہ کسی پاکستانی نے یہ چیز منظر دیکھا ہو، ٹھیک ہے نا، امریکہ کا ایک منظر ہوتا ہے نا، اب تو لوگ موویز میں اتنا دیکھ چکے ہوتے ہیں نا، اس وقت تو ڈرامے فلمیں بھی نہیں ہوتی تھیں، موویز بھی نہیں ہوتی تھیں، وہ تو پہلی دفعہ ہی دیکھا تھا یہ ایسا منظر. تو وہ گھسیٹ کے لے گئی اپنے گھر. جب یہ کہیں گھر پہ گیا ہوں نا تو مجھ پہ اللہ کا خوف آ گیا، میں نے کہا یہ کیا کر رہا ہوں میں. وہاں جا کے واپس بھاگے ہیں. ادھر پہنچنے کے بعد وہ عورت غصہ ہو رہی تھی کہ اگر تم نے یہ کام کرنا نہیں تھا تو میرے ساتھ آئے کیوں، کیوں میرا خرچہ کرایا تم نے، کیوں خرچہ کرایا میرا. تو آدمی اور شرمندہ ہو جاتا ہے نا کہ یار. تو والد صاحب کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ میں نے زندگی میں کبھی یہ گناہ نہیں کیا، اور میں یہاں پہلی دفعہ آیا ہوں، اگر میں اس گناہ میں پڑ گیا اللہ کی نظر مجھ سے ہٹ جائے گی. واپس بھاگے. بڑا مشکل ہوتا ہے ایسے موقع پہ. اس وقت ان کی عمر ہوگی 22 یا 23 سال، زیادہ زیادہ 24 سال ہوگی. تو بھاگے ہیں واپس. تو والد صاحب کہتے تھے، جو جنہوں نے مجھے یہ واقعہ سنایا ہے، کہ مجھ سے کہنے لگے کہ تمہارے والد صاحب کہتے تھے کہ اس کے بعد میری زندگی میں کیا آیا ہے، انقلاب. پھر اللہ نے قرآن کی تلاوت کی توفیق دی، حفظ قرآن تھا بھول چکے تھے، روزانہ ایک قرآن پڑھنے کا معمول بنا پھر، تاکہ قرآن دوبارہ یاد ہو جائے. جہاز پہ 3 سال امامت کی، داڑھی بڑی رکھ لی ماشاءاللہ، اور پھر اتنی عزت اللہ نے ان کو دی. اللہ نے ان کے، ہمارے سب بھائی ماشاءاللہ داڑھی والے ہیں،
सब बहनें शरई पर्दा करती हैं, सब भाभियां पर्दा करती हैं, घर में क्या आ गया पूरा, हालांकि उस वक्त शादी नहीं हुई थी, लेकिन ये असरात कहां मुंतकिल हुए हैं, खानदान में, पूरे पूरे खानदान में मुंतकिल हो गए ना। इंतकाल हुआ तो जनाजा मैंने पढ़ाया वाले साहब का। अगर अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे उस बुराई में पड़ जाते, हमें पता चलता कि हमारा बाप ऐसा है तो हम ऐसे होते। वैसे तो अभी भी कोई इतने नेक नहीं है, लेकिन गेटअप तो है ना, गेटअप तो अल्लाह ने मौलवियों वाला दे दिया ना, थोड़े थोड़े तो देखने की हद तक तो नेक बना दिया ना, ऐसे नहीं होते हम। तो ये जो बरकात है ये नस्लों में मुंतकिल होती है, नस्लों में। इतनी इज्जत दी अल्लाह ने, इतनी इज्जत दी थी कि इंतकाल के वक्त महल्ला रो रहा था, पूरा महल्ला रो रहा था इंतकाल, और हरे बहुत से लोगों ने वालिद साहब की कब्र के पास ना जगह घेर ली थी कि हम यहां दफन होंगे, यहां, हालांकि मस्जिद के इमाम नहीं थे, कुछ भी नहीं, कोई ऐसी शख्सियत नहीं थे कि वो कोई मुक्तदा और रहबर समझे जाते हो। तहज्जुद का मामूल था, तिलावत का मामूल था, और मैंने खुद भी कई दफा नोट किया, ऐसा लगता था उनके मुंह से खुशबू आती है, ऐसा महसूस होता था, ऐसा अल्लाह ने, क्योंकि तिलावत बहुत ज्यादा करते थे। जिस जब इंतकाल हुआ है ना जिस दिन, उस दिन भी आधा घंटा तिलावत करके उठे, घर में उनका मामूल था, घर में आने के बाद ऑफिस से जब घर में आते थे ना तो सबसे पहले नहा के, अजीब अजीब उनके मामूल थे, नहाते लाजमी थे रोजाना, और चूंकि फौजी थे ना तो फौजियों की जो एक रूटीन होती है ना वो तब्दील नहीं होती। अब जब फौज में थे तो गर्म पानी से नहाने की आदत थी, तो जून में भी गर्म से ही नहाते थे। हम कहते अब वालिद साहब से कहते गर्मी हो रही है, लेकिन वो एक रूटीन होती है ना फौजियों की, बस वो आना है, धोती पहनी, गुसलखाने में चले गए, पानी गर्म पहले किया, अपना काम सारा खुद करना, किसी से काम ही नहीं लेते थे, और वो दो मिनट के अंदर ऐसे फुर्ती से नहाते थे। हम हैरान, ये कैसे नहा गए इतनी इतनी देर में, कहते मैं साबुन से बाकायदा तसल्ली से नहाया हूं, इतनी जल्दी जल्दी फुर्ती में काम करते थे। आते ही तिलावत करनी, और तिलावत ऊंची आवाज में करते थे, पूरे घर में वाले साहब के तिलावत की आवाज आती थी। मुझसे गलती ये हुई कि इंतकाल से चंद दिन पहले मैं उनकी तिलावत सुन रहा था, तो मेरा दिल चाह मैं इसको रिकॉर्ड, उस वक्त रिकॉर्डिंग का इतना ज्यादा नहीं होता था, मैंने कहा इसको मैं रिकॉर्ड कर लूं, लेकिन वो रिकॉर्ड मैं नहीं कर सका, मैंने कहा चलो बाद में कर लूंगा, और उनका इंतकाल ही हो गया। तो तिलावत ऊंची आवाज से टोपी उतार के तिलावत करते थे। तो जिस दिन इंतकाल हुआ है, और अल्लाह से कहते थे कि अल्लाह किसी का मोहताज ना बनाना, सारी जिंदगी किसी से खिदमत नहीं ली, सिर्फ जो है ना कमर दबवाते थे बेटों से अपने, तो मुझसे भी दबाते थे, मेरा ये अंगूठा बड़ा मजबूत हो गया है, वो कमर पे ना उनके ऐसे मालिश कर करके, ऐसे कमर पे मैं मालिश करता था वाली साहब की, ये तेल लगा के ना इधर, तो मेरे अंगूठे में बड़ी ताकत पैदा हो गई थी। तो मुझे कहते थे यार तुम हो बारीक से, मेरे बाकी भाई दरा, लेकिन यार तुम्हारे हाथ में बड़ी ताकत है। तो मैं कहता था कि ये मेरे हाथ में ताकत नहीं है, ये मालिश कर करके ना ये अंगूठा बहुत मजबूत हो गया है। तो क्या था, तिलावत की इंतकाल से पहले, और बार बार दुआ किया करते थे कि अल्लाह बिस्तर पे लेटू नहीं, जिंदगी में हमने कभी नहीं देखा वाले साहब बिस्तर पे लेटे हों, यानी बीमार होके लेटे हों, अपना सारा काम फुर्ती फुर्तीलेपन से, ऐसे कोई बिल्कुल। तो वही हुआ, मौत के वक्त भी ऐसा ही हुआ, आए हैं तिलावत की है, फिर उसके बाद गए ईशा की नमाज पढ़ने, सफ में बैठे हुए थे कि गिर गए, सफ से उठा के उनको हॉस्पिटल लेकर गए, नमाज की इकामत हो रही है और वहीं अटैक हुआ, और वही उनका कब्र का सफर था। कितनी अच्छी मौत दी अल्लाह ताला ने कि एक दिन क्या हुआ, बारिश में भीगते भीगते आए हैं घर में, और फौरन नमाज के लिए गए, तो वालदा ने कहा कि भाई अभी बारिश हो रही है, उन्होंने कहा अल्लाह बोलेगा ऑफिस से यहां तक पहुंच गए, और अब यहां से मस्जिद तक नहीं जा रहे, अल्लाह को भी मुंह दिखाना है, ऐसे नमाज के पाबंद। सऊदी अरब में जब उम्मान में उनकी जॉब थी, कई कई घंटे का गर्मियों का रोजा होता था, लोग छोड़ देते थे, वालिद साहब कहते थे मर जाऊंगा रमजान का रोजा नहीं छोड़ूंगा, कुछ भी हो जाए रमजान का रोजा कैसे छोड़, तरावी कभी नहीं छूटती थी, रमजान का रोजा कभी नहीं छूटता था। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई बुराई थी नहीं उनमें, ऐसी किसी की तारीफ करना गलत है, मगर अल्लाह ने मजमूई लिहाज से उनमें बड़ी सिफात रखी थी। ये सिफात कैसे पैदा हुई, अल्लाह ने एक बुराई से बचने की तौफीक दे दी। तो मैंने ये अच्छा, तो उसी में उनकी मौत वाकई हुई है, और रात को 12 बजे इंतकाल हुआ। उनके सारे काम ऐसे होते थे, मोटे मोटे काम और चुपके चुपके, शोबाजी का बिल्कुल भी शौक नहीं था उनको। हज हमारे महल्ले से जब कोई हज करने जाता था ना, 6 महीने पहले ऐलान होता था फलां साहब हज पे जा रहे हैं, लोग पहले से आके ना उनसे दम करवाना। अब तो लोग बहुत हज पे जाते हैं, उस वक्त ये 25 साल पुरानी बात कर रहा हूं मैं, उस वक्त हाजी की बड़ी वैल्यू होती थी।
हज पे जो जाने वाला होता था ना, लोग उससे पहले से माशाल्लाह हज पे जा रहे हैं। हमारे इमाम साहब पूरी रनिंग कमेंट्री शुरू करते थे स्पीकर पे, अब वो हज पे जाने वाले हैं, अब उनका नाम आ गया है। जनाजे की भी रनिंग कमेंट्री होती है हमारे महल्ले में, अल्लाह इमाम साहब की मगफरत फरमाए, इंतकाल हो गया उनका भी, उसको लोग कहते थे ये रनिंग कमेंट्री शुरू कर देते हैं। जनाजे की चारपाई उठ चुकी है, तमाम हजरात से गुजारिश है कि जनाजा गांव में पहुंच जाएं। अब जनाजा घर से निकल चुका है, मैयत को गुसल दिया जा चुका है, ईदी सेंटर से लाश घर में आ चुकी है, पूरी पूरी ना कमेंट्री होती थी। तो वो जनाजे की भी कमेंट्री, और अगर कोई बीमार होता था महल्ले का तो उसकी भी कमेंट्री। आगा खान में दाखिल हैं, उनके पित्ते में डॉक्टर ने पथरी बताई है गफ्फार भाई के, तमाम हजरात से गुजारिश, दुआ की गुजारिश है कि अल्लाह उनको शिफाए कामिल आजिल अता फरम। पूरा महल्ला दुआ कर रहा था, या अल्लाह गफ्फार भाई के पित्ते की पथरी निकाल दे, ठीक है। वो चूंकि सियासी थे, जमीयत के थे, तो वो पूरी ना सियासत से लेके चलते थे हर चीज। तो वालिद साहब अब जब हज पे जाता था कोई, तो उसकी फिर वो जब हाजी साहब आते थे उनका बड़ा इस्तकबाल। हमारे वालिद साहब को ये चीजें पसंद नहीं थी। वालिद साहब हज करके गए, गए पता ही नहीं चला, और वापस किसी को बोल्टन मार्केट में मिले, उसने कहा हमने तो सुना था आप हज करने गए हुए। वालिद साहब ने कहा मैं भी अभी आया हूँ। मैंने कहा जरा बोल्टन मार्केट से जरा टच करता हुआ घर चलूँ। एक थैला था उनके पास, उसी थैले में हज भी हो रहा है। पूरी दुनिया देखी थी वालिद साहब ने, पूरी दुनिया का सफर किया। बताते थे कि चीन और ऑस्ट्रेलिया ये दो मुल्क ऐसे हैं जहां मैं नहीं गया, बाकी दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिसमें मैं गया ना हूं। लेकिन इतनी सादगी, इतनी सादगी कि आप कहेंगे कि शायद ये कभी अंडा मोड़ भी नहीं आए होंगे। ये कोई शोबाजी नहीं थी, ऐसे चुपके से गए और हज करके चुपके से वापस। शोहरत पसंद नहीं थी, बिल्कुल बिल्कुल पसंद नहीं थी शोहरत। तो कोई भी काम है बस आराम से चुपके से कर लिया। खत्म कुरान के मौके पर ही हमारे इमाम साहब ना सबको बुलाते थे, हाँ भाई अब तो वालिद साहब को भी, वालिद साहब को पसंद नहीं होता था कि नाम लिया जाए मेरा, तो ये चीज लोग उनकी पसंद करते थे। तो उनकी मौत भी ऐसे ही हुई है चुपके से। रात 12 बजे इंतकाल हुआ, मैं मदरसे में था, हम लोग पहुंचे, हम तो हैरान हो गए ये कैसे हो गया भाई एकदम। तो उनको गुसल दिया और फजर की नमाज के बाद जनाजा तैयार था, फजर में नमाज ही कम होते हैं। ऐलान हुआ फजर के बाद, जब पब्लिक हमारे घर आना शुरू हुई है तो जनाजा पढ़ के हम उनको दफना चुके थे। लोग कह रहे थे यार ये इतनी बड़ी शख्सियत, इतने महबूब दुनिया से चले गए और हमें पता भी नहीं। हमने कहा भाई गए ऐसे वक्त पर हैं, वो सोने का वक्त होता है, उस वक्त ऐलान हुआ था, मगर जाहिर है आपको पता नहीं चलता। तो ऐसे ही चुपके से खामोशी से चले गए, खामोशी चले गए। तो लोग यही कह रहे थे यार ये ना इन्होंने दुनिया में कभी खिदमत ली है, ठीक है ना, जनाजे में भी किसी को परेशान नहीं किया, ऐसे दो सफ़े हुई थी जनाजे की, बस चले गए। तो कैसा अल्लाह ने चलते फिरते नमाज की हालत में उनको उठाया है। तो ये मैं क्यों, मैंने ये वाकया सुनाया ना, तो एक साहब बारबाडोस से शायद मिलने के लिए आए मुझसे, तो मुझसे वो बयान उन्होंने सुना। पहले मेरा बयान सुनते थे, मुझे पहचानते नहीं थे, अमेरिका की किसी रियासत में थे या बारबाडोस में, वल्लाहु आलम। तो मुझसे मिलने के लिए आए, मुझे कहने लगे यार आप हाफिज मसूद साहब के बेटे हैं। मैंने कहा हाँ। कह रहा यार मैं आपका बयान कब से सुन रहा हूँ, आपको पहचानता नहीं था, आपने एक दिन मिंबर पे वाकया सुनाया, तो ये वाकया तो आपके वालिद साहब का वाकया है, और ये मेरे वालिद साहब आपके वालिद का वाकया मुझे सुना के अमरीका भेजा था उन्होंने कि बेटा हाफिज मसूद साहब की तरह जिंदगी गुजारना, अमरीका जा रहे हो जैसे वो बचे थे तुम भी बचना। तो कह रहे आपके तो वालदा को भी जानता हूँ मैं, आपके तो घर हम लोग पढ़ने आते थे, हमारी दादी से उन्होंने पढ़ा है, यानी हमारे बहुत क्लोज थे वो लोग। वो अमरीका चले गए, हवादी से जमाना उनको अमरीका ले गए, ठीक है ना। तो कहने लगे कि जब मैंने ये आपके रोजाना बयान सुनता था, ये वाकया सुना, तो फिर मैं हैरान हुआ कि यार आप तो बहुत, फिर मेरे भाई भी उनको जानते हैं। तो वो उन्होंने बताया कि ये वाकया तो आपके वालिद साहब का, जब मुझे पता चला ना तो मुझे फिर पता चला आप उनके बेटे हैं, तो मुझसे मिलने आए स्पेशल यहाँ पे। तो ये मैं क्यों वाकया सुना रहा हूं कि देखो भाई, जैसे जिना करना बहुत बड़ा जुर्म है, ऐसे ही जिना से बचना अगर मौका मिले किसी को तो बहुत बड़ी नेकी है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कैसा नवाजा, नवाजा कि नहीं नवाजा, बचे थे वो। तो भाई करने वाले बहुत हैं, बचने वाले थोड़े हैं। तो करने वालों में अगर अपना शुमार करोगे तो जहां बहुत सारे लोग हैं, मजे की जिंदगी गुजारी, थोड़े दिनों के लुत्फ और मजे हैं, उसके बाद दुनिया का सुकून भी गया और आखिरत में जहन्नम की आग। और अगर बचने वालों में आ गए तो उन थोड़े लोगों में अल्लाह शामिल कर लेंगे जो थोड़े शुक्रगुजार होते हैं।
لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایسا ماحول کریٹ کرو کہ پھر آپ کو بچنے کا موقع ملے. دور بھاگو. میں نے بتایا نا کوئی لڑکی گھر میں آتی ہے, باہر نکل جاؤ گھر سے. بولے بھائی تنہائی میں نہیں, میں تو اس کی احتیاط کرتا ہوں. کوئی جوان خاتون اگر مسئلہ پوچھنے آ جائیں, بوڑھی ہے تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. جوان خاتون, ایسا ہوتا ہے بعض دفعہ خواتین کو تو ماحول کا نہیں پتا ہوتا, اب وہ آئی ہیں, میں گھر میں کوئی نہیں ہے, آگے دروازہ بجا رہی ہیں, مفتی صاحب گھر میں مسئلہ پوچھنا ہے. گھر میں نہیں بیٹھوں گا بھائی, سڑک پہ کھڑے کھڑے پوچھو, ٹھیک ہے نا, بے گرامی ہے. گھر میں آنا ہے تو پھر مسجد کے کسی خادم کو یا کسی بندے کو گھر میں بٹھاؤں گا کہ بھائی آپ بھی آ جاؤ, کیونکہ بدگمانی کا موقع دینا بھی کیا ہے, حرام ہے. ہاں گھر والے موجود ہوں, اہلیہ موجود ہیں, پھر بے شک آگے بیٹھو. اور پھر بھی میں ایسا نہیں کرتا کہ اہلیہ دوسرے کمرے میں اور یہ خاتون اس کمرے میں میرے ساتھ بیٹھے, ایسا نہیں ہوگا بھائی. ایسا کریں گے تو کون آئے گا, ہے بھائی, ایسا نہیں ہوگا.